छतरपुर से चौंकाने वाली खबर है। एक सैनिक जैसी वर्दी पहनकर एक व्यक्ति गांजे की तस्करी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ छतरपुर से ही अवैध हथियार के वीडियो वायरल कर पुलिस को चुनौती दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग का खुलासा कर 11 बाइक बरामद की है। छतरपुर में अपराधियों का फायरिंग और अवैध हथियारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवाओं द्वारा अवैध हथियारों का उपयोग इस इलाके में ट्रेंड बन चुका है। बदमाश बेखौफ होकर सरेआम फायरिंग कर वीडियोस खुद सोशल मीडिया पर वायरल करके पुलिस को सीधा चैलेंज दे रहे हैं। ये वीडियो सटई रोड के अपराधी प्रवृत्ति के लड़कों का बताया जा रहा है। एसपी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो इसमें फायरिंग कर रहे हैं, जैसा कि हमारा लगातार अभियान चल रहा है कि अवैध इकट्ठों के विरुद्ध, अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो इस वीडियो के आधार पर भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, कुछ नाम भी संज्ञान में आए, शीघ्र ही इस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये गैंग दिल्ली सहित कई राज्यों में बाइक चोरी करता था। पुलिस ने 11 बाइक जब्त कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल, होटल और सार्वजनिक स्थल से इनके निशाने पर रहते थे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक बाइक चोर का जो गिरोह है उसको पर्दाफाश किया गया है। फिलहाल 11 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं और 3 आरोपी जो हैं इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इसमें इनके और भी साथीदारान हैं जिनको ढूंढा जा रहा है और संभावना है कि कुछ और भी मोटरसाइकिल होंगी, तो जल्द ही हमारी टीम उन पर भी कार्रवाई करेगी। सेना के कमांडर जैसे वर्दी पहनकर गांजे की तस्करी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया है। उसके पास से लगभग 19 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस को चकमा देने के लिए युवक ने कमांडो जैसी ड्रेस पहन रखी थी। ये तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर छतरपुर आया था। एसपी सर के पास भी जानकारी आई थी, इसको वेरीफाई करने के लिए टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी बमीठा और उनके साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी थे। तो हमने जब वेरीफाई किया तो पाया कि जो आरोपी है भवानी दीन विधवा, और जिसकी एज लगभग 26 साल है, ये छतरपुर सटई रोड का रहने वाला है, इसके पास करीब 19 किलो गांजा मिला था, जिस पे हमने NDPS के सेक्शन 8/20 का FIR रजिस्टर्ड कर लिया है। और ये जो टी शर्ट पहना हुआ था, ये यूनिफॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, उससे मिलती जुलती जो टी शर्ट पहना हुआ है उसको भी हम देख रहे हैं, और उसमें भी यदि कुछ ऐसा पाया जाएगा कि कुछ इसने अपने आप को कंसील करने के लिए सब किया है, तो उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।